नमस्कार मो चैनल रे आपण मानक स्वागत। आज आम बनैवा मेथी मलाई मटर तरकारी। आसतु बनैवा आरंभ कर मेथी मलाई मटर तरकारी। ये सब जिनस दरकार प्रथम आम दरकार मेथी पत्र। मुझे गोटे कप मेथी पत्र धोईक नहीं ग्रीन मटर नहीं अधा कप। गोटे टमाटर छोट छोट काटिक नहीं गोटे पिज छोट छोट काटिक नहीं दस बारटा काजु नहीं सर दु चमच नहीं क्षीर नहीं 3/4 कप। कस्तूरी मेथी गोटे चमच। धनिया पाउडर गोटे चमच। जीरा नहीं गोटे चमच। गोटा गरम मसला नहीं डालचीनी गुजराती अलैच लवंग सोरस तेल लुण जीरा पाउडर अधा चमच लंका पाउडर अधा चमच हलदी गुंड। एबे ये मेथी को आम काटिद एमती छोट छोट कर मुझे गैस उपर गोटे कढ़ई रखी से किसी पा देर आम ग्रीन मटर पकईद चार पांच मिनट बॉइल करवा। ये देखो चार पांच मिनट हो गला ग्रीन मटर बॉइल हो गला गोटे जगह बाहर कर ना। एवं आम मेथी पत्र भाजी ना मुझे गैस उपर गोटे कढ़ई में दी चमच तेल पकईदी से मेथी पत्र पकईद भाजी ना। एमती भाव आम रांग ये देखो मेथी पत्र भाजी गला गोटे प्लेट को बाहर कर नवा। एबे आमे कस्तूरी मेथी को भाजी नवा अधा मिनिट भाजवा। एबे ताकू आमे गोटे प्लेट को बाहर कर। एबे आमे ग्रेवी पाई मसला तैयारी करवा। मु गैस पर कढ़ाई रखी देछि सेथिरे 2-3 चमच तेल पकई देबा। तेल गरम हो प्याज पकईद प्याज को किसी समय भाजवा पूरा गोल्डन ब्राउन कलर करें से गोटा गरम मसला पकईद आम डांग गोटे चमच जीरा पकईद प्याज भाजी हो गला से टमाटो पकईद किसी समय भाजवा लुण से गोटे चमच पकईद एवं से हलदी अधा चमच पकईद टमाटो सॉफ्ट हवा पर्यंत आम भाजवा टिके ढाकिद एवं से काजू पकईद ये देखो टमाटो सॉफ्ट हो गला से आम धनिया गुंड जीरा गुंड लंका गुंड पकईक टिके भाजी ना मसला आम तैयारी हो गला थंडा हाँ छाड़ीद। ये देखो मसला थंडा हो गला मुझे गोटे जारे ढाई एवं अल्प टे पा आम दवा देखिए ग्राइंडिंग कर ना। ये देखो मसला ग्राइंडिंग हो गला आम एवं ग्रेवी तैयार मुझे गैस उपर गोटे कढ़ई रखी से मसला आम देद जारे किसी पा पकईकी से पा एम ढाद
ମସଲା ପାଣି ଫୁଟିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା ଫୁଟିଗଲାଣି, ସେଥିରେ ଆମେ ମେଥି ପକାଇଦେବା। ଯେଉଁ ଭାଜିକି ଆମେ ମେଥି ପତ୍ର ରଖିଥିଲେ ସେଥିରେ ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର ପକାଇଦେବା, ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇଦେବା। ତାକୁ କିଛି ସମୟ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଯେଉଁ କ୍ଷୀର ଥିଲା ସେଥିରେ କିଛି ଆମେ ତରକାରୀ ତା ଦେହରେ ପକାଇକି ତାକୁ ମିଶାଇ ଦେଇକି ସେ କ୍ଷୀରକୁ ଏଥିରେ ଢାଳିଦେବା। ତାକୁ କିଛି ସମୟ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ରେଭି ଆମର ବଳିଆ ହେଇଗଲାଣି, ସେଥିରେ ଆମେ ଏବେ କସ୍ତୁରୀ ମେଥିକୁ ହାତରେ ଏମିତି ଦଳିକି ଆମେ ପକାଇଦେବା। ସର ଯେଉଁ ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ବି ଆମେ ପକାଇଦେବା। ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ମିଶାଇବା। ମେଥି ମଲାଇ ମଟର ତରକାରୀ ଆମର ତିଆରି ହେଇଗଲା। ଏବେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ ଅଫ୍ କରିଦେବା। ଏବେ ଆମେ ତରକାରୀକୁ ଗୋଟେ ବାଉଲରେ ବାହାର କରିନେବା। ମୁଁ ମେଥି ମଲାଇ ମଟର ସବ୍ଜିକୁ ଗୋଟେ ବାଉଲରେ ସର୍ଭ କରିଦେଇଛି। ଆପଣ ଏମିତି ତରକାରୀ ଘରେ ବନାନ୍ତୁ, ରୁଟି ଚାଉଳ ପୁରୀ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଆନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ବଟନ୍ ଜରୁର ଦେବେ। ମୋ ନୂଆ ରେସିପି ଆପଣ ମିଳିପାରିବ।